कैमरा एक्शन से पैकअप तक, पर्दे के आगे से पर्दे के पीछे तक, सितारों की चमक से सितारों के अंधेरे तक, डायरेक्टर के ऑर्डर से प्रोड्यूसर के नखरे तक, अगर हर चटपटी गॉसिप की आपको हो रही है तलब, तो आप आ गए भाई ऑन द राइट तरफ। हेलो एंड वेलकम टू माय शो फिल्मी नगर की खबर। मैं हूँ आपकी होस्ट जीनिया, जो लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड की सारी चटपटी खबर। तो बिना इंतजार कराए आपको आज का करते हैं शुरू सफर। आज की पहली गॉसिप है टाइगर के फैंस के लिए। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ के फैंस जो बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार टाइगर की अगली फिल्म का, जो बेसब्री से उनको देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर फिर से एक्शन का धमाल मचाते हुए, आपके लिए खुशखबरी क्योंकि टाइगर ने कर दी अपनी अगली रिलीज अनाउंस। आफ्टर बागी 3 टाइगर इज ऑल सेट रिटर्न टू द बिग स्क्रीन विद हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और टाइगर की इस फिल्म का टाइटल होगा गणपत पार्ट 1। जी हाँ, अपनी इस एक्साइटमेंट को शेयर करते हुए टाइगर ने कर दिया है सोशल मीडिया हैंडल पे इस फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर। और इस फिल्म की सारी चटपटी गॉसिप को डिटेल में जाने के लिए, इन डेप्थ जानने के लिए, मैं चलती हूँ अपनी गॉसिप फ्रेंड ज्योति की तरफ, जो देंगी सारी चटपटी गॉसिप इन डिटेल अबाउट दिस खबर। सही सुना दोस्तों आपने, जैसा कि जिया ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस शो में आप तक बहुत मजेदार खबरें पहुंचाने की, बॉलीवुड जगत की बहुत अच्छी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, आपसे कुछ मिस नहीं होने देंगे, कोई खबर हमसे नहीं छूटेगी। तो आज जैसे ही गणपत पार्ट 1 का जिक्र जीनिया ने किया, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। गणपत पार्ट 1 टाइगर श्रॉफ की मूवी है, विकास बहल इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की काफी वक्त से इस फिल्म के लिए तैयारी कर रहे थे लॉकडाउन के बाद, अब जैसे जैसे अनलॉक हुआ है पूरा शहर, तो फिल्मों की शूटिंग दोबारा से शुरू हुई है। और जितने भी जो फिल्म स्टार्स थे इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे, खुद को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहे थे, उसी तैयारी का एक वीडियो टाइगर श्रॉफ ने शेयर किया। और वो उन्होंने जैसा कि अपनी फिल्म का जो फर्स्ट लुक है वो शेयर किया, उसमें कमाल के दिख रहे हैं टाइगर श्रॉफ को, जो उनके फैंस हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके नेक्स्ट फिल्म का। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, इंतजार इसलिए कि 2021 में इसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और 2022 में ये फिल्म रिलीज होगी, तो थोड़ा सा इंतजार इस फिल्म को देखने के लिए। और टाइगर श्रॉफ की मूवी है, उसमें डांस ना हो, एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मजेदार आपको डांस इस फिल्म में देखने को मिलेगा, एक्शन से लबरेज ये मूवी होने वाली है, तो थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए। टाइगर श्रॉफ के फैंस आपको बहुत कुछ कमाल करके इस फिल्म में दिखाने वाले हैं। अक्सर टाइगर श्रॉफ वक्त वक्त पर अपने डांस के वीडियोज, अपने एक्शन के वीडियोज या फिर अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर करते रहते हैं, और इसी क्रम में उन्होंने गणपत पार्ट 1 का वीडियो शेयर किया था, जिसको खूब पसंद भी किया जा रहा है। और आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये स्पेशल। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने मंगलवार को अपनी आगामी एक्शन फिल्म गणपत के पहले लुक को अपने फैंस के साथ शेयर किया। फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर को टाइगर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, पोस्टर में टाइगर एक बदमाश के लुक में अपने हाथों में सिगरेट पकड़े कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। एक्शन से भरपूर इस थ्रिलर फिल्म का निर्देशन विकास बहल द्वारा किया जा रहा है। INS रिपोर्ट। जीनिया वो आपको बताने वाली है मिलिंद सोमन के बारे में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी तस्वीर अपनी इंस्टा पे शेयर की, अच्छी और डिफरेंट की तस्वीर है, डिफरेंट किस अंदाज में है, क्या अलग है, क्या चौंकाने वाली बात है इसमें, वो जीनिया में बताएं। और हमारी आज की दूसरी गॉसिप है एक्टर मॉडल मिलिंद सोमन के बारे में। यहाँ मिलिंद जो काफी रिसेंटली काफी वायरल हुए थे अपनी बर्थडे पोस्ट को लेकर, वहीं पे सीन रनिंग न्यूड ऑन द बीच, वेल इट वाजंट द फर्स्ट टाइम फॉर मिलिंद, बट अब उन्होंने कर दी एक और धूम मचाने वाली पिक्चर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर। और इस पिक्चर में काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं मिलिंद, और इस अलग अंदाज के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर मेरी फ्रेंड ज्योति। तो चलते हैं, रुक करते हैं ज्योति की तरफ। जीनिया आप बिल्कुल ठीक कह रही है, काफी डिफरेंट ये तस्वीर है, डिफरेंट है और साथ में कुछ थोड़ी सी शॉकिंग भी है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ है नहीं, होली भी नहीं आने वाली है, जिस तरह से एक तरफ का चेहरा मिलिंद सोमन का इस फोटो में रंग से गुलाल से होता हुआ नजर आया। तो मिलिंद सोमन ने अपनी तस्वीर जब ये शेयर की तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल होली नहीं है, लेकिन फिर भी ये तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जल्दी कुछ नया आपके सामने लेकर हाजिर करूँगा। तो मिलिंद सोमन अक्सर वक्त वक्त पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जिस पर उन्हें मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती है, कुछ फैंस उनको अप्रिशिएट इसके लिए करते हैं और कुछ तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, कुछ नाराजगी भी जाहिर करते हैं। अभी
कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने एक इंस्टा पर फोटो शेयर की थी जिसमें उनकी न्यूड पिक उन्होंने अपनी डाली थी बीच पर दौड़ते हुए, उसको लेकर अब काफी सवाल खड़े हुए थे। खैर बहरहाल अब इंतजार थोड़ा सा और करना होगा कि जल्दी मिलिन की तरफ से और क्या उनके फैंस को मिलने वाला है, क्योंकि मिलिन के जो इंस्टा पर शेयर पिक्चर्स होते हैं, वीडियोज होते हैं, वो खासतौर पर लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके वर्कआउट के वीडियोज बहुत पसंद किए जाते हैं। वो अपने सुबह की ब्रेकफास्ट काफी वीडियोज शेयर अपने फैंस के साथ करते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और फॉलो भी करते हैं। उनको बकायदा कहा जाता है फैंस की तरफ से कि आप हमसे ऐसे शेयर कीजिए वीडियो ताकि हम भी उनसे प्रेरित हों और हम ऐसी लाइफ फॉलो करें, ऐसी डाइट फॉलो करें, ऐसा ही वर्कआउट फॉलो करें। थोड़ा सा इंतजार हो बस, फिर देखेंगे हम क्या नया पेश करने वाले हैं मिलिन अपने इंस्टा पर। और आइए देखते हैं इसी खबर पर हमारी ये स्पेशल। अभिनेता और मॉडल मिलिन सोमन पिछले कुछ दिनों से अपनी न्यूड तस्वीर को लेकर सुर्खियों पर छाए हुए थे और इसी बीच उन्होंने अपनी एक मजेदार तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके आधे फेस पर लाल गुलाल लगा हुआ नजर आ रहा है, साथ ही उनकी आंखों में काजल और नाक में नोज पिन दिख रही है। इसे साझा करते हुए मिलिन लिखते हैं, मुझे पता है कि होली नहीं है लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं कर्जत में था, मुंबई के पास ही एक शहर है, यहाँ मैंने कुछ मजेदार चीजें की, आने वाले समय में और शेयर करूँगा, अभी चेन्नई के लिए रवाना हो रहा हूँ। मिलिन सोमन ने अपने जन्मदिन के मौके पर न्यूड फोटो शेयर की थी जिसके बाद फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। हालांकि कुछ सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया तो कुछ ने इस फोटो पर नाराजगी जताई थी। INS रिपोर्ट। आज के शो में इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए लेकर और चटपटी खबरें। तब तक के लिए देखना मत भूलिएगा मेरा शो फिल्मी नगर की खबर, वो नीज़ इंडिया कामल, ओनली ऑन INS TV।